बहुत दिनों से क्रोम ब्राउज़र में ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है कि जैसे ही आप यूट्यूब स्टूडियो में क्लिक करते हैं तो आपको यूट्यूब डैशबोर्ड में नहीं भेज के आपको डायरेक्ट यूट्यूब स्टूडियो ऐप में भेज देता है। तो इसका फिक्स किस तरह करेंगे मैं इस वीडियो में आपको पूरी बताऊंगा। आप वीडियो को अंत तक देख रहे हो, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट में मैं ऐसा एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको लाइव दिखा देता हूँ क्रोम ब्राउज़र में ओपन करके। आप देख सकते क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया, उसके बाद मैं यूट्यूब वाला ऑप्शन में क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको इसको डेस्कटॉप साइड में ही रखना है, तो आप उसको यहाँ पे डेस्कटॉप साइड कर लीजिए, थ्री डॉट पे ऊपर में थ्री डॉट में क्लिक करके नीचे डेस्कटॉप मोड को आप ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ ये प्रॉब्लम किस तरीके से दिखा रहा है, ऐसे ही आपका भी प्रॉब्लम होता होगा। तो मैं यहाँ पे अपना चैनल के आइकन पे अभी क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे को यूट्यूब डैशबोर्ड में नहीं बोल के यूट्यूब स्टूडियो में भेज देता है। तो इसको आप किस तरीके से फिक्स करेंगे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपका ऊपर में जो ब्राउजर है उस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे जो सर्च बार हुआ पे आपको सर्च करना है यहाँ पे स्टूडियो STUDIO स्टूडियो डॉट, बाद में आपको क्या लिखना है YouTube.com। आपको सिर्फ इतना लिखना है, लिख के आपको गो पे क्लिक करना है, या फिर आपके ऊपर में सर्च बार में रहेगा तो आपको यहाँ पे सर्च बार में सर्च कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अभी आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, मैं आपको और एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसमें आपका काम और भी जी जाएगा। अभी आपका डैशबोर्ड यहाँ पे सामने से ओपन हो जाएगा तो आप डायरेक्टली अपने डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप सब कुछ क्या करना है आपका, यहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हैं, सेटिंग आपको जो भी करना है जैसे करते थे पहले आप इसे कर सकते हैं। अभी वो ट्रिक कौन सा है, एक्स्ट्रा ट्रिक मैं आपको बोलने वाला था। आपको क्या करना है, ऊपर में थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख लीजिए फिर से यहाँ पे ऊपर में थ्री डॉट है, जब आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा उसके बाद आप थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए। करने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड टू होम स्क्रीन। आप देख सकते हैं ऐड टू होम स्क्रीन में थोड़ा ब्लैक होकर रखा है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी नाम रखेंगे, रखने के बाद यहाँ पे ऐड वाला ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आप उसको मिनिमाइज कर देंगे। करने के बाद आप जाएंगे अपना होम स्क्रीन में, जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शॉर्टकट आ गया है चैनल डैशबोर्ड बोल के, तो मैं इसको सामने लेके चला जाता। आप देख सकते हैं चैनल डैशबोर्ड, तो आपको सिर्फ सिंपली इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली इसी पेज पर लेकर चला आएगा, आपको बार बार यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो डॉट कॉम लिखना नहीं पड़ेगा। तो मैं स्टूडियो डॉट यूट्यूब डॉट कॉम में अपना कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप यहाँ से उसको यूट्यूब स्टूडियो डॉट कॉम स्टूडियो डॉट यूट्यूब डॉट कॉम यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट अपने ब्राउजर में आ जाएंगे। इसी तरीके से इस प्रॉब्लम का फिक्स आप कर सकते हैं। यूट्यूब की तरफ से यह प्रॉब्लम है, यह कुछ दिन के अंदर फिक्स हो जाएगा, जब तक नहीं होता इस ट्रिक को आप अप्लाई कीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।